नमस्कार दोस्तों, भारत न्यूज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चंद्रयान वन मंगल मिशन की अपार सफलता के बाद भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अब अपना एक और मिशन लॉन्च करने जा रही है। दोस्तों, मंगल यान का बजट इतना कम था कि उसका पर किलोमीटर का फेयर ओला से भी कम था। अब इन मिशनों को पूरा करने के बाद भारत एक और स्पेस मिशन करने जा रहा है जिसका नाम है चंद्रयान 2। भारत का ब्रीफ केस साइज रोवर 15 जुलाई को लॉन्च होने जा वाला है। ये चंद्रमा की दक्षिण पोल से करीब 600 किलोमीटर दूर उतरेगा। ये चंद्रयान 2 चंद्रमा की जमीन पर पानी और दूसरी चीजों की जांच करेगा। चंद्रयान 2 मिशन 15 जुलाई को रात 2:51 आंध्र प्रदेश की श्री हरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। यान 6 या 7 सितंबर को चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव में के पास लैंड करेगा। लॉन्चिंग के साथ ही भारत चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका और रूस, चीन अपने यानों को चांद की सतह पर भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने चंद्रयान को दक्षिण ध्रुव के पास रोवर नहीं भी उतारा। जियोस्क्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK-3 करीब 6000 क्विंटल वजनी रॉकेट है। इसरो के मुताबिक ऑर्बिट पेलोड के साथ चांद का चक्कर लगाएगा। भारत के लिए यह गौरव की बात है कि 10 साल में दूसरी बार चांद पर मिशन भेजा जा रहा है। चंद्रयान 1 2009 में भेजा गया था, हालांकि इसके रोवर शामिल नहीं था। चंद्रयान 1 में केवल एक ऑर्बिट और इंस्पेक्टर था जो चांद की ध्रुव पर पहुंचा था। धन्यवाद।